एसपी रविंद्र सिंह को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन एसएचओ रामपाल यादव पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर कोतवाल की संपत्ति की जांच होगी। राजस्व पुलिस कर्मियों की विभागीय जांच शुरू हो गई है। एसपी रविंद्र सिंह को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब सब इंस्पेक्टर और कोतवाल की संपत्ति की जांच भी होगी। कहीं गलत तरीके से इन्होंने संपत्तियां अर्जित तो नहीं की है, इसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। अब के बहुचर्चित मामले में लगातार कार्रवाइयां होती दिख रही हैं। पहले जो एसपी हेमराज मीणा थे उनके द्वारा तत्काल कोतवाल को निलंबित किया गया, जो आरोपी दरोगा था उसको निलंबित किया गया। फिर इस खबर का शासन ने संज्ञान लिया और एसपी को यहां से हटाया गया, उनको लखनऊ संबद्ध किया गया। अब अपर पुलिस अधीक्षक जो यहाँ रविंद्र कुमार सिंह थे, जिनके द्वारा मोबाइल की जांच करके क्लीन चिट दिया गया था, उनको भी हटा दिया गया है। जो यहाँ सर्किल सीईओ थे सदर के, उन पर भी कार्रवाई हुई है। वर्तमान में वो कानपुर में तैनात थे, उनके निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार की खबर का लगातार असर होते हुए दिख रहा है। लगातार जो इसमें दोषी अधिकारी और कर्मचारी पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट में जहरीली शराब से 5 लोग बीमार हुए हैं। जहरीली शराब से 5 लोगों की हालत